हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रो ऐप के जरिए हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रो ऐप मैंने ओपन कर ली है और इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सप्लोर आ रहा है, ये एक्सप्लोर आपका आ रहा है स्टॉक, यानी कि आप बॉटम में देखेंगे तो स्टॉक आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं और लोन आ रहे हैं। यानी कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल वगैरह पे करने हैं तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लोन लेना है तो आपको यहां पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक के अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है और आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि ग्रो ऐप को हम कैसे यूज करते हैं और ग्रो ऐप से हम कैसा पैसा कमाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर स्टॉक सेक्शन के अंदर क्या रहा है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि ग्रो पर ज्यादातर कौन से स्टॉक बाई किए जा रहे हैं वो आपको लिस्ट यहाँ पे आ रही है। प्रोडक्ट क्या है, इसके टूल्स क्या है, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। गेनर्स यानी कि गेनर कौन कौन है और लूजर्स कौन कौन है उस दिन में, यानी कि आज के दिन में गेनर्स कौन है, किन स्टॉक ने गेन किया है, किन स्टॉक ने लूज किया है, वो आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। टॉप इंट्राडे, यानी कि टॉप इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज टॉप में इंट्राडे में कौन से स्टॉक चल रहे हैं। स्टॉक इन न्यूज़, आजकल जो न्यूज़ में स्टॉक चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारी डिटेल आ गई। होल्डिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो भी स्टॉक में होल्डिंग किए हैं, यानी कि बाई करे हैं, हमने जो भी स्टॉक बाई कर रखे हैं वो आपकी होल्डिंग के अंदर डिटेल आ जाती है। और टू बी बाई, ये आपकी क्या है, ये आपकी वॉच लिस्ट है, यानी कि वॉच लिस्ट, यानी कि हम वॉच लिस्ट बना के रख देते हैं जिससे कि हमें किसी स्टॉक के बारे में वॉच करना है कि स्टॉक कैसे चल रहे हैं, या टू बी बाई मुझे कौन कौन से स्टॉक बाई करने हैं, ठीक है ना। पैनी स्टॉक कौन कौन से हैं, ईवी के स्टॉक कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे वॉच लिस्ट बना देते हैं जिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात हम ये कर लेते हैं कि मान लीजिए हम किसी स्टॉक में पैसा लगाएं तो पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए मैगजॉन डॉक शिप को ले लेते हैं, इस कंपनी को हम ले लेते हैं। इसका एक दिन का आप देख सकते हैं यहाँ पे वन डे आ रहा है, फिर वन वीक आएगा, वन मंथ आएगा, वन ईयर आएगा, फाइव ईयर आएगा एंड ऑल आएगा। और इसके अंदर आप देखें कितना परसेंटेज, यानी कि हमने एक दिन के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर 3% की ग्रोथ पाई है। इसके अंदर एक वीक की बात कर लेंगे तो एक वीक के अंदर हमने इसके अंदर 9% का लॉस खाया है। एक महीने की बात कर लेंगे तो हमने इसके अंदर 12% का लॉस खाया है। अगर एक साल की बात कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक साल पहले अगर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपको 135% का आपको रिटर्न मिल गया होता। कितना, 135, यानी कि आपने पैसा यहां पे इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास पैसा कितना होता, 135%, यानी कि आपने 1,00,000 रुपए लगाया होता तो आपके पास 1,35,000 रुपए एक्स्ट्रा और हो जाते, यानी कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाती, 2,35,000 की कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड हो जाती, यानी कि वैल्यू बन जाती है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 5 साल पहले किया होता तो आप 5 साल पहले देखिए कितना हो गया, 5 साल पहले आपका पैसा 1965%, यानी कि 1965% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा 90 times आपका पैसा इन्वेस्ट मतलब हो गया, 19 गुना, यानी कि आपने 1,00,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके यहाँ पे कितने होते, 19 गुना पैसा आपका हो जाता। अगर हम ऑल टाइम की बात कर लेते हैं, यानी कि पिछले अगर जितना जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तो आप देख सकते हैं 1900% का आपको प्रॉफिट इसके अंदर हो रहा है। अब मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर, हालांकि मैगजीन डॉक शिप बिल्डर इसका कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम सही टाइम पर सही एंट्री ले लेते हैं और सही स्टॉक के अंदर, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, अब रिलायंस है, अदानी कोई कंपनी है मान लीजिए, या ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये किसी ना किसी छोटी बैंक थी, छोटी कंपनियाँ थी, लेकिन आज कितनी बड़ी कंपनियाँ हो गई हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपको लगता है कि आज कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है, आपको लगता है XYZ कंपनी है और ये किसी दिन काफ़ी बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप कोई चीज़ सस्ते में खरीदेंगे और वो महंगी हो जाएगी, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो बात ये आती है कि आपको पैसा अगर लगाना है किसी स्टॉक के अंदर तो कैसे लगाते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट देने वाली है आने वाले समय के अंदर, तो आप क्या करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे। जब आप बाई पे क्लिक कर देंगे तो देखिए बाई पे क्या होता है, हमें स्टॉक को बाई करना होता है। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो देखिए कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर, समझ लेते हैं पहले। एक तो अब डिलीवरी आ रहा है, यानी कि जब हमें पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको डिलीवरी पर सेलेक्ट करना चाहिए। इंट्राडे यानी कि जो लोग रोजाना स्टॉक को बाई करते हैं, सेल करते हैं बाई करते हैं, एक दिन के लिए वो इंट्राडे करते हैं। MTF को भी आप इग्नोर कर दीजिए। तो हम डिलीवरी में क्या करेंगे, स्टॉक को बाई करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी डाली जाती है और यहाँ पर आ रहा है एट मार्केट यानी कि आप प्राइस मार्केट देखेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भैया मेरे पास बैलेंस कितना है, यहाँ पे 0 बैलेंस है मेरे पास और मुझे एक स्टॉक को बाई करने के लिए 4,452 रुपये चाहिए,
ठीक है। तो ऐड मनी पे क्लिक कर दूंगा और ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद मैं क्या कर लूँगा, पैसे को ऐड कर लूँगा यहाँ पे। तो जो भी मेरा नेट बैंकिंग होगी या फिर मेरी UPI होगी, मैं उसके जरिए पैसा ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद मैं ऐड मनी वाली जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाई स्टॉक। जैसे आप स्टॉक को बाई कर लेंगे, आपका स्टॉक होल्डिंग के अंदर दिखाने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्केट, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मार्केट का मतलब ये होता है कि अभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा आप उस पर क्या कर लेंगे, इसको बाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप लिमिट कर दें, लिमिट का मतलब ये होता है कि अभी स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, 4439 रुपये चल रही है। आप चाहते हैं कि 4430 रुपये जब आ जाएगा ना तब मैं बाई करूँगा, तो आप 4430 रुपये यहाँ पर एंट्री कर दीजिए और ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। जैसे कि 4400 यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 4425 रुपये करता हूँ मान लीजिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऐड मनी करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको पैसा तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐड मनी कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप इसको बाई करके डाल देंगे। अगर आपका ये स्टॉक 4425 रुपये का आ गया मान लीजिए, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। और वो ऑर्डर वाली डिटेल आपकी होल्डिंग के बगल में यहाँ पे एक टैब आ जाएगी, जैसे आप स्टॉक को प्लेस कर देंगे। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड है, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड में हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारा पैसा अच्छा खासा बन जाता है। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं, 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 साल किया है, तो उसके अंदर हमें 20.26% का रिटर्न मिला है। यानी कि हमें FD और जो FD वगैरह करते हैं हम, उनसे अच्छा कितना अच्छा रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो हमें 27.26% का रिटर्न मिला है। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 20.94%। यानी कि आपको इसके अंदर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है, जो कि काफ़ी कमाल का होता है। अब आप इसके अंदर देखिए इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वन टाइम है, यानी कि अगर आपको पैसा आज की आज इन्वेस्ट करना है, अभी करना है या कल करना है, पर कभी करना है, मतलब एक साथ 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके 2 महीने के बाद फिर आपके पैसा आता है, या 5 महीने के बाद आपके फिर पैसा आ जाता है, तो फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम इसी स्टॉक के अंदर, सेम म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन स्टार्ट SIP का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं हर महीने 2,000 रुपये मेरे इन्वेस्ट हो, और किस तारीख को हो, तो तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 10 तारीख को या 11 तारीख को, जो भी आप डेट चाहते हैं वो आप डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, SIP डेट क्या है, और यहाँ पर आपका किस अकाउंट से पेमेंट होगा वो देख लीजिए। पे वाया ऑटो पे, ऑटो पे सेट करना पड़ेगा आपको, SIP क्लिक करना पड़ेगा। इससे का मतलब ये होता है कि 2,000 रुपये आपके हर महीने हर 10 तारीख को आपके अकाउंट से कटेंगे, इस वाले अकाउंट से कटेंगे, और वो आपके इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या हो जाएंगे, इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एक लंबे समय के अंदर काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अब कितनी अच्छी वेल्थ होगी जरा मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आप रिटर्न कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये या जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 10,500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने 5 साल तक, तो आप देखेंगे यू वुड बिकम 12,00,000 रुपये। यानी कि आपका 10,500 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल आपका 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि आपकी जेब से पैसा कितना गया, आपकी जेब से पैसा गया 6,30,000, और ये आपके 5 साल के अंदर बन जाएंगे 12,19,834 रुपये बन जाएंगे लगभग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें सीख समझी। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करना चाहते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।